हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नेटो में अखराजात का नया हदफ, कनाडा पर दबाव बढ़ने लगा। नेटो चीफ का इत्तेहादी ममालिक से नए अहदाफ कायम करने का मुतालबा। नए अहदाफ कैनेडियन हुकूमत पर अरबों डॉलर का बोझ डाल सकते हैं। कनाडा में हॉरन झील पर गिराए गए नामालूम ऑब्जेक्ट से मुतालिक तलाश रोक दी गई। RCMP का कहना है कि खराब मौसम और कामयाबी के इम्कान ना होने पर तलाश रोक दी गई है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि अपनी फिजाई हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए मुंजमद बारिश की वार्निंग जारी। शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियात का मशवरा। मुंजमद बारिश के साथ बर्फ के गोले भी गिर सकते हैं। जासूस गुब्बारा गिराने पर चीन से माफी नहीं मांगेंगे। अमरीकी सदर का कहना है कोई चीज अमरीकी शहरियों के लिए खतरा बनेगी तो उसे मार गिराया जाएगा। चीन के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं। हम नई सर्द जंग की तलाश में नहीं है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ इलाकाई मुहादे को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेनी सदर का कहना है कि रूस सिर्फ हथियारों की जबान समझता है। मगरिब की जानिब से फराहम किए जाने वाले हथियार और दबाव जंगबंदी का जरिया बन सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. नेटो के सरबरा फौजी अखराजात के लिए सख्त अहदाफ के इम्कान को बढ़ा रहे हैं, जिससे कनाडा पर दिफा पर मजीद अरबों की सरमाकारी करने के लिए मजीद दबाव पड़ सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेटो के सरबरा फौजी अखराजात के लिए सख्त अहदाफ के इम्कान को बढ़ा रहे हैं, जिससे कनाडा पर दिफा पर मजीद अरबों की सरमाकारी करने के लिए दबाव पड़ सकता है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने खास तौर पर इत्तेहाद के 30 अरकान से मुतालबा किया कि वो अपनी कौमी मजमू पैदावार का 2% दिफा पर खर्च करने का दोबारा अहद करें, क्योंकि यूक्रेन में रूस की जंग और दीगर खतरात फौजी बजट को खा जाते हैं। कनाडा की अनीता आनंद समेत तमाम इत्तेहाद के वज़रा दिफा के साथ मुलाकात के बाद ब्रसेल्स में सहाफियों से बात करते हुए स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि इत्तेहादियों ने अखराजात का नया हदफ कायम करने के बारे में बात करना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें हदफ को पूरा करने के लिए ठोस तकाजे और टाइम लाइन तय करनी चाहिए, इसके बरक्स जब ये पहली बार 2014 में तय किया गया था। कनाडा समेत रुकन ममालिक ने पहली बार 2014 में इस बात पर इत्तेफाक किया था कि रूस के यूक्रेन के जजीरा नुमा क्रीमिया पर हमले के बाद अगली दहाई में अपनी GDP का 2% दिफा पर खर्च करने का मकसद रखें। कनाडा तवील अरसे से GDP के हिस्से के तौर पर अखराजात में अपने ज्यादातर इत्तेहादियों से पीछे रह गया है और उसने हदफ को मुकम्मल तौर पर पूरा करने से इनकार कर दिया है। कनाडा की यके बाद दीगर हुकूमतों का मौकफ रहा है कि 2% हदफ जरूरत के बजाय एक रहनुमा खतूत है, लेकिन अगर दूसरे इत्तेहादियों ने स्टोल्टनबर्ग की कॉल पर ध्यान दिया तो ये कनाडा पर फौज में अरबों की सरमाकारी करने के लिए हकीकी दबाव डालेगा। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में झील हॉरन पर गिराई गई एक नामालूम शय की तलाश मौतल कर दी गई है। RCMP की जानिब से कहा गया है कि खराब मौसम की वजह से कामयाबी के इम्कान ना होने के बराबर हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में झील हॉरन पर गिराई गई एक नामालूम शय की तलाश मौतल कर दी गई है। RCMP की जानिब से कहा गया है कि खराब मौसम की वजह से कामयाबी के इम्कान ना होने के बराबर है। ये अपडेट अमरीकी सदर जो बाइडेन के बयान के चंद घंटे बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा
और अमेरिका की फिजाई हदूद में हवा में उड़ने वाले 3 ऑब्जेक्ट को गिराया गया था। ऐसा नहीं लगता कि वो चीन या किसी दूसरे मुल्क से आए हैं और उनमें निगरानी की सलाहियत नहीं है। RCMP ने एक बयान में कहा कि वो गुज़िश्ता हफ्ते के रोज योकॉन के ऊपर नीचे लाई गई चीज की बाकियात की तलाश जारी रखे हुए है, लेकिन उसने नोट किया कि ऑपरेशन भी मुश्किल साबित हो रहा है। पुलिस फोर्स ने कहा कि बहुत बड़े सर्च एरिया के साथ हालात इंतहाई चैलेंजिंग है, जो 3000 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है और ना हमवार और पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है, जिसमें बर्फबारी और सख्त सर्दी के हालात हैं। अमरीकी फौजी हुक्काम ने कहा है कि शुमाली अलास्का में मुश्किल खत्ता, जहां गुज़िश्ता जुमे को 3 अशिया में से पहली को मार गिराया गया था, बहाली की कार्रवाइयों को भी मुश्किल बना रहा था। ये ऑपरेशन झील होरॉन और योकॉन अशिया की तलाश के बरक्स मुकम्मल तौर पर अमरीकी एजेंसियों की क़यादत में किया जा रहा है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी का मौजूदा अंदाज़ा यह है कि ये तीनों अशिया गालिबा निजी कंपनियों, तफरीही या तहकीकी इदारों से मुंसलिक गुब्बारे थे, जो मौसम का मुताला कर रहे हैं या दीगर साइंसी तहकीक कर रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि ये हमें अभी तक मालूम नहीं कि ये चीज़ें क्या हैं और शहरी फिजाई हदूद की हिफाजत के इंतखाब का दिफा करेंगे। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये प्रोटोकॉल शुमाली अमरीका की फिजाई हदूद की हिफाजत करेगा। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए मुंजमद बारिश की वार्निंग जारी की गई है, जिसमें पेश गोई की गई है कि बर्फीली बारिश रात को शुरू होकर जुमे की सुबह तक जारी रहेगी। मौसम का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए मुंजमद बारिश की वार्निंग जारी की गई है, जिसमें पेश गोई की गई है कि बर्फीली बारिश रात को शुरू होकर जुमे की सुबह तक जारी रहेगी। एजेंसी ने कहा कि मुंजमद बारिश के साथ बर्फ के गोले भी गिर सकते हैं। इन्वायरमेंट कनाडा का कहना है कि मुख्तलिफ सतहों पर बर्फ जमने के साथ साथ दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो सकता है। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक जुमे के रोज शहर का कम से कम दर्जा हरारत दिन के औकात में -100 और रात के औकात में -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। वफाकी मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि शाहराहें, सड़कें, वॉकवेज और पार्किंग की जगह बर्फीली और फिसलन वाली बन सकती हैं। एनवायरमेंट कनाडा ने गाड़ी चलाने वालों और पैदल चलने वालों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। शहर में सर्दी के मौसम की वापसी के साथ ही वार्मिंग सेंटर्स खोल दिए गए हैं। इस दौरान सिटी ऑफ टोरंटो ने एक न्यूज रिलीज में कहा कि उसने जुमेरात की रात अपने 4 वार्मिंग सेंटर्स उन लोगों के लिए खोल दिए जो बेघर है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत हफ्ते की रात -1 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इतवार के रोज 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका जासूस गुब्बारा मार गिराने पर चीन से माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि गुब्बारे को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका जासूस गुब्बारा मार गिराने पर चीन से माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि गुब्बारे को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दावा किया कि चीन गुब्बारे को जासूस के लिए इस्तेमाल कर रहा था, ताहम शुमाली अमरीका में मार गिराए गए 3 अजसाम किसी मुल्क के लिए जासूसी नहीं कर रहे थे। बाइडन ने कहा कि वो रवां माह के वाक़े के बारे में जल्द ही चीन के सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। अमरीका इस मामले पर चीन के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। हम नई सर्द जंग की तलाश में नहीं है। अमरीकी सदर का कहना था कि हम मामले की तह तक पहुँचेंगे। जो बाइडन ने कहा कि कोई गलत सोच ना रखे, अगर कोई चीज़ अमरीकी शहरियों के लिए बाइस ख़तरा बनेगी तो उसे मार गिराया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के प्रेस रूम में अमरीकी सदर अपने ख़ानदान के चीन में कारोबारी ताल्लुकात के बारे में सवाल पूछने पर नाराज़ हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस दौरान नाराज़गी का इजहार करते हुए सहाफ़ियों पर तनकीद की कि उनका रवैया नर्म नहीं, और फिर वो कमरे से बाहर चले गए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर के जासूस गुब्बारे के मामले पर चीनी सदर से बात करने के बयान पर चीनी वजारत खारजा ने रद्द अमल का इजहार किया है। चीन ने गुब्बारे को जासूसी के लिए इस्तेमाल करने की तरदीद की है। चीन के मुताबिक गुब्बारा मौसम की मालूमात जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और अपने रास्ते से भटक गया था। चीन का गुब्बारा बहरे ओकियानूस के ऊपर 4000 फीट की बुलंदी पर था, जब उसे अमरीकी जंगी तैयारे ने मार गिराया था। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका को ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए चीन के साथ काम करने की जरूरत है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ मुमकिन अमन मुहायदे में अपने मुल्क की सरजमीन का कोई भी हिस्सा छोड़ने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ मुमकिन अमन मुहायदे में अपने मुल्क की सरजमीन का कोई भी हिस्सा छोड़ने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि रूसी सदर के साथ समझौता नहीं हो सकता, उन पर एतमाद नहीं
कि कोई भी इलाकाई समझौता हमें बतौर रियासत कमजोर कर देगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग के एक साल मुकम्मल होने के बाद बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, आज हमारी बका हमारा इत्तेहाद है और मुझे यकीन है कि यूक्रेन अपनी बका की जंग लड़ रहा है। हमारा मुल्क इक्तिसादी तौर पर और अपने इकदार के जरिए यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। हमने उस रास्ते का इंतखाब किया है। हम सिक्योरिटी की जमानत चाहते हैं। कोई भी इलाकाई समझौता हमें बतौर रियासत कमजोर कर देगा। बेलारूस के रहनुमा अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ से दी गई धमकी पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बेलारूस जंग में शामिल नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम लड़ेंगे। रूस को बेलारूस को दोबारा हमले के लिए स्टेजिंग पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त देना एक बड़ी गलती होगी। सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ किसी भी तरह के समझौते के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारी जिंदगी में हर रोज लाखों समझौते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस हवाले से हम किसके साथ समझौता करें। पुतिन के साथ नहीं, क्योंकि इस पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मगरिब की जानिब से फराहम किए जाने वाले हथियार और दबाव जंग बंदी का जरिया बन सकते हैं और अमन कायम होने का भी इम्कान है, क्योंकि हथियार ही वो जबान है जो रूस समझता है। यूक्रेनी सदर का मजीद कहना था कि रूस को बेलारूस को दोबारा हमले का जवाब बनाने की इजाज़त देना एक संगीन गलती होगी। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।